एक्सक्यूज मी मैडम, ओह आई एम सॉरी, आंटी हो ना तुम तो? ओ मैडम, अगर तूने ये पहनावा नहीं बदला ना तो सोसाइटी में कंप्लेन करके ना बाहर फिकवा दूंगा तुम्हें। तुम्हारी औकात भी है हमसे इस तरीके से बात करने? कंप्लेन? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? और मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। क्या हुआ मैम? गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप प्लीज आधा घंटा वेट कर लीजिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ओके मैम। यार तुझे तो पता है ना मेरा बर्थडे आने वाला है, और इस बार मैं अपने बर्थडे पर इतनी ग्रैंड पार्टी देने वाली हूँ ना कि सोसाइटी का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर होगा। बस तू ये बता कि मुझे अपने बर्थडे पर इस बार पहनना क्या है। यार माही, मैं पता क्या बोल रहा हूँ यार, शॉर्ट्स वॉर्ट्स तो सब पहनते हैं, तू ना कुछ हटके कर, तू ऐसा कर साड़ी पहन। पागल वागल है क्या तू? मेरे को गवार नहीं लगना, ठीक है? मेरे को एक यू नो व्हाट, एक सुपर मॉडल टाइप लगना है, इडियट। ठीक है यार माही, तेरी मर्जी। माही देख, एक्सक्यूज़ मी मैडम, ओह आई एम सॉरी, आंटी हो ना तुम तो? इसीलिए तो तुमने इस तरह का पहनावा पहन रखा है, आई मीन साड़ी। तुम्हें पता भी है कि तुम किस सोसाइटी में रहती हो? और तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं, इस सोसाइटी के रूल हैं कि गरीब टाइप के लोग या फिर यू नो व्हाट, चीप टाइप के लोग यहाँ नहीं रहते, समझी तुम? अपना हुलिया बदलो और थोड़ा मॉडर्न बनो। अरे छोड़ना इन गरीब लोगों, क्या पता फैशन क्या होता है। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? ओ हेलो, तुम्हारी औकात भी है हमसे इस तरीके से बात करने की? कभी खुद को शीशे में देखा है? चीप टाइप। और हाँ, अगर इस सोसाइटी में रहना है ना तो खुद को मॉडर्न बनाओ, वरना यहाँ नहीं रह सकती तुम। ओ मैडम, अगर तूने ये पहनावा नहीं बदला ना तो सोसाइटी में कंप्लेन करके ना बाहर फिकवा दूंगा तुम्हें। क्यों, इस देश में कानून नहीं है क्या? और अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो? कंप्लेन? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? और मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ओ मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और माही, तू यहाँ क्या कर रही है? आप इसे मैम क्यों बोल रहे हो भैया, इस गांव की गवार को? माही अपनी जबान पे लगाम दो। मैडम आई एम सॉरी, मैं अपनी बहन की तरफ से गलती मानता हूँ, ऐसे बात नहीं करते माही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे? मैडम देखिए, उसको नहीं पता है, अपना मुंह बंद रखो माही। अरे मिस्टर कबीर, आप रहने दीजिए, इसे नहीं पता है। अरे मैडम क्या नहीं पता? माही तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? ये हमारे जिला की न्यू आईएएस ऑफिसर हैं, और हमारे पापा ना इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। मैडम देखिए, आई एम रियली सॉरी, जो भी इसने बिहेव किया मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ। एक मिनट मिस्टर कबीर, आप रहने दीजिए। और मैडम आप कोई नहीं होती किसी को जज करने वाली कि वो क्या पहने और क्या नहीं। और साड़ी, साड़ी हमारे इंडियन कल्चर की पहचान है। और तुम क्या कह रहे थे कि मुझे इस सोसाइटी से बाहर निकलवा दोगे? इस देश में कोई कानून नाम की भी चीज होती है, और तुम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि सोसाइटी में कौन रहेगा और कौन नहीं। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, लेकिन आज के बाद ऐसा मिसबिहेव किसी के साथ मत करना। माही तुम घर जाओ। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरी बहन को पता नहीं था, और एक्चुअली वो ऐसी है भी नहीं। इट्स ओके, अभी मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नो 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 इशू। ओके थैंक यू मैम।